गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसमें अलग अलग जैव प्रक्रम हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि पहले पोषण पढ़ा, पादपों में पोषण, मनुष्य में पोषण, उसके बाद श्वसन पढ़ा, पादपों में श्वसन, मानव में श्वसन, उसके बाद उत्सर्जन पढ़ा, पादपों में उत्सर्जन और मानव में उत्सर्जन। तो लास्ट वीडियो में हमने उत्सर्जन ही पढ़ा था और उत्सर्जन में हम ये पढ़ चुके हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन करने वाला तंत्र जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र होता है और जिसके मुख्य भाग होते हैं गुर्दे होते हैं, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है और गुर्दे की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वृक्काणु। ये वृक्काणु का चित्र बना हुआ है। एक वृक्काणु की संरचना हम पढ़ चुके हैं, इसमें एक कटोरे जैसा भाग होता है जिसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, एक नीचे मुड़ा हुआ सी ट्यूब, मुड़ी हुई सी ट्यूब होती है जिसको पीसीटी बोलते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, एक नीचे वाला भाग है लूप ऑफ हेनले और ये डीसीटी। इसके सभी के कार्य है और ये कैसे काम करेगा, इसकी वर्किंग, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, उसको देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मान लो किसी कारणवश हमारी बॉडी में ब्लड को साफ करने का काम, मतलब प्यूरीफाई करने का काम कौन कर रहा है, वो कर रही है किडनी। मतलब हमारे रक्त में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है जो, उसको बाहर निकालने का काम किया किडनी ने, और किडनी के अंदर किसने, वृक्काणु ने। अब किसी कारणवश मान लो अगर किडनी खराब हो जाए, कैसे खराब हो सकती है, हो सकता है किसी को चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट में किसी भी तरीके से कोई चोट लग जाए, या किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, या किसी की बॉडी के अंदर ज़्यादा शुगर है तो शुगर की वजह से भी किडनी खराब हो सकती है, या अत्यधिक ब्लड प्रेशर है उसके कारण भी किडनी खराब हो सकती है। कहने का मतलब है अगर किसी भी रीजन से किडनी फेल हो जाए या किडनी अपना काम करना बंद कर दे तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। देखो उस स्थिति में हम दो तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका तो ये कि अगर कोई किडनी को डोनेट करने वाला हो तो उसकी किडनी को हम दूसरी के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन जो डोनेट करने वाला होता है उसकी किडनी और जो लेने वाला होता है उनके बीच में मैचिंग होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि बॉडी, दूसरे की बॉडी दूसरे के अंग को एक्सेप्ट नहीं करती, वो उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल समझती है, मतलब बाहरी तत्व, तो उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है। जैसे मान लो अगर भगवान न करे मेरी किडनी खराब हो जाए, तो अगर मैं किसी की किडनी लेता हूँ तो मेरी बॉडी जो है उसको एक फॉरेन पार्टिकल समझेगी और उसके अगेंस्ट उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बन जाएंगी, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसको डैमेज कर देगी, हमारी ही एंटीबॉडीज उस पार्ट को डैमेज कर देगी। इसलिए जो किडनी है वो किडनी ऐसे किसी रिलेटिव से या किसी ऐसे पर्सन से ली जाती है जिसका ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड ग्रुप से मैच कर जाए, मतलब वो हमारे जैसा ही होना चाहिए लगभग, नहीं तो एंटीबॉडीज बनेंगी उसके अगेंस्ट और वो उसको किल कर सकती हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया भाई, किडनी अगर फेल हो जाए तो उससे उसको ठीक करने का एक तरीका तो ये है कि हम किडनी को पूरी की पूरी किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब सर्जरी से खराब किडनी को बाहर निकाल दें और उसकी जगह एक ठीक किडनी को फिट कर दें। दो किडनी हमारे पास होती है, अगर एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरी किडनी उस खराब हुई वाली किडनी का भी काम कर सकती है, धीरे 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 वो अपनी क्षमता इतनी बढ़ा लेती है कि एक किडनी से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर दोनों ही किडनी खराब हो जाए उस अवस्था में तो हमारे पास दो ही तरीके बचते हैं, एक तो ट्रांसप्लांट, मतलब दूसरे की किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें, या अगर ट्रांसप्लांट के लिए किडनी नहीं मिलती तो एक दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं डायलिसिस। आप लोगों ने भी सुना होगा कि डायलिसिस मतलब चार पाँच दिन में या हफ्ते में जिस भी आदमी की किडनी खराब है उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और उसको डायलिसिस करवानी पड़ती है। डायलिसिस क्या होता है, डायलाइजिंग एक मशीन होती है जो रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, मतलब कहने का वो मशीन वही कार्य करेगी जो काम हमारे रक्त में किडनी करती है। जिस प्रकार ये जो वृक्काणु है इसने क्या किया था, इसने यहाँ से आने वाले रक्त को छान दिया था और उसमें से यूरिया और दूसरे अपशिष्ट पदार्थों को निकाल दिया था जो यहाँ से होते हुए और बाहर निकल गए थे। अब यही काम हम क्या करवाएंगे, किसी मशीन से करवा देंगे, तो इसको उस मशीन को डायलाइजिंग मशीन बोलते हैं और उस क्रिया को बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, बात समझ में आएगी, मतलब किसी कृत्रिम यंत्र द्वारा हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना वो कहलाता है डायलिसिस,
और करने वाली कौन सी होती है? डायलाइजिंग मशीन। ठीक, उस मशीन की बनावट क्या होती है वो मैं बताता हूं। तो इसको, उस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं, मतलब कृत्रिम वृक्क भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो मनुष्य ने बनाई है ना, वो नेचुरल नहीं है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोला जाता है। तो इस इसकी फंक्शनिंग वैसी ही होती है जैसी वृक्काणु की होती है। इसी को ध्यान में रखकर इस मशीन को बनाया गया है। तो इस मशीन में होता क्या है, देखो, इस मशीन में एक ये टैंक है, इस टैंक में एक सॉल्यूशन भर दिया, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें पानी डाला, उस पानी में ग्लूकोज डाल दिया, बहुत सारे लवण डाल दिए, उसको वैसा ही बना दिया जैसा हमारा रक्त है। जैसी सांद्रता हमारे रक्त की होती है वैसी ही सांद्रता इस द्रव की है जो हमने इस टैंक में भर दिया। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो ट्यूब है, इस टैंक के अंदर हमने एक ट्यूब डाल दी, ये ट्यूब परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से बनी होती है, जैसे सेलुलोज वगैरह से ये ट्यूब बनी होती है, मतलब इसकी जो ये दीवारें हैं, इस ट्यूब की जो ये दीवारें हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से बनी होती है। अगर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है और कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही कोशिका से बाहर जाने देती है, उसको बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो हमने एक ट्यूब ऐसी बना ली जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से बनी हुई है, मतलब यह अपने अंदर से कुछ पदार्थों को बाहर निकाल सकती है। अब क्या करेंगे, इसको तो इस ट्यूब को इस टैंक में भर दिया, सॉल्यूशन में रख दिया भाई, इस सॉल्यूशन की जो ये अंदर द्रव पदार्थ है इसकी सांद्रता बिल्कुल रक्त की सांद्रता के बराबर है। अब हमने ये जो ट्यूब थी इस ट्यूब को जोड़ दिया किसी धमनी से, हाथ की धमनी के साथ इसको जोड़ दिया और ये लगा दिया पंप। ये क्या करेगा, ये पंप उस रक्त को धक्का देगा, किसमें, इस ट्यूब के अंदर। तो रक्त जब इस ट्यूब में चलेगा, इसके अंदर से चलता रहेगा, अब इस जो यहाँ पे द्रव है, जहाँ जो यहाँ पे सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की सांद्रता और रक्त की सांद्रता बराबर है, लेकिन क्या बराबर नहीं है, जो रक्त में यूरिया है वो इस सॉल्यूशन में नहीं है, जो अपशिष्ट पदार्थ रक्त में है वो इस सॉल्यूशन में नहीं है। तो वो क्या करेंगे, हमें पता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चीजें जाती हैं, उसको बोलते हैं विसरण। अब यहाँ पे यूरिया है, वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली को क्रॉस करके क्या करेगा, वो इस द्रव में आ जाएगा, इसको क्रॉस करके इसमें से इसमें इस द्रव में, या मतलब इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, किसमें से, इस नली में से, ये जो हमने ट्यूब बनाई है जो कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से बनी हुई है। तो कौन से मटेरियल का प्रयोग करते हैं, सेलुलोज से बनी होती है ये, तो यूरिया इसमें से निकल निकल के बाहर आता रहेगा, जैसे जैसे रक्त इसमें आगे बढ़ता रहेगा, ये आगे बढ़ रहा है, तो यूरिया और अपशिष्ट पदार्थ सारे के सारे सॉल्यूशन में बाहर निकल जाएंगे, इसमें आते रहेंगे सॉल्यूशन में, आगे जाता रहेगा और यूरिया बाहर निकलता रहेगा, यहाँ तक आते आते इसमें से यूरिया बाहर निकल चुका होता है। फिर इस रक्त को हम दोबारा से किसी सिरा से जोड़ देंगे ताकि दोबारा से रक्त सिरा में आ जाए। ठीक है भाई, ये है इसकी वर्किंग। अब क्या करते हैं, जब यूरिया इस सॉल्यूशन में आता रहेगा तो ये तो सॉल्यूशन अपशिष्ट पदार्थों से ही भर जाएगा, तो क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन जो है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ आ गए हैं, ये साथ के साथ बाहर निकलता रहता है अपशिष्ट पदार्थों को लेकर। क्यों निकलता रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक फ्रेश सॉल्यूशन नीचे से डाला जाता है, ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन हम इसमें डाल देंगे, नीचे से नया सॉल्यूशन बना बना के इसके अंदर डालते रहेंगे और अपशिष्ट पदार्थ उसमें आते रहेंगे और सॉल्यूशन जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलता रहेगा। इस प्रकार ये मशीन काम करती है। ठीक है, ये तो वैसी टैंक बना के दिखाया, उसमें एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें ट्यूब लगी होती है, मरीज को लेटा दिया जाएगा, उसके हाथ से एक ट्यूब अटैच कर दी जाएगी, एक बड़ी सी मशीन होगी, उसमें पंप वगैरह होती है, यूनिट्स चलती रहती है, रीडिंग चलती रहती है, जिसमें ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड की क्वांटिटी कितनी है, सब कुछ, टेम्परेचर कितना, सब कुछ उसके अंदर रीडिंग आती रहती है, मतलब उसमें मरीज को प्रॉब्लम नहीं आती कि ऐसी कोई मशीन की वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है, वरना तो दिक्कत है ही, तभी तो मशीन पे बैठा होता है। तो इस प्रकार यह आर्टिफिशियल किडनी
काम करती है, इसको इस क्रिया को बोलते हैं डायलिसिस, और इस मशीन को हम डायलाइजर भी कह सकते हैं या आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। हमारा जो चैप्टर है सिक्स्थ लेसन जैव प्रक्रम, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमने इसमें पढ़े हैं तीन जैव प्रक्रम, एक पोषण पढ़ा हमने, एक हमने पढ़ा श्वसन, एक हमने पढ़ा उत्सर्जन। वैसे जैव क्रम सिर्फ तीन नहीं होते हैं, लेकिन टेंथ क्लास के सिलेबस में सिर्फ तीन है। हमारी बॉडी में जैव प्रक्रम का मतलब मैंने बताया जीने वाली क्रियाएं, जो हमारी बॉडी के अंदर तंत्र काम करते हैं, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, परिवहन तंत्र, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो ग्रंथियां होती है उनका एक सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, 12 सिस्टम काम करते हैं और हमने पढ़े सिर्फ तीन। तो टेंथ क्लास में तीन ही सिस्टम है। ये जो 12 सिस्टम है हम हायर क्लासेज में पढ़ते हैं, जैसे 11th 12th में जाके अगर कोई मेडिकल लेता है तो फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है हमारी आदमी की बॉडी के अंदर क्या काम होते हैं, किस प्रकार होते हैं, वो सारे के सारे 11th क्लास में जाके हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक तो था अपना भाई 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जो यहाँ कंप्लीट होगा। मैं कुछ वैसे जीके समझ लो या कुछ फैक्ट्स हमारी बॉडी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। जैसे भाई हमारी बॉडी में कोई पूछ ले कि आपकी बॉडी में कितनी सेल हैं, तो वैसे तो ट्रिलियंस ऑफ सेल होती हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। जिसकी बॉडी में जितना वेट होता है उसके वेट को 10 की शक्ति 12 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके अंदर उतनी ही सेल होंगी। या एवरेज अगर हम कहें तो बॉडी के अंदर 37 ट्रिलियन सेल होती हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स, इतनी कोशिकाएं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। हमारे अमाशय में जो अम्ल निकलता है, पढ़ा चुका हूं मैं कि पाचन के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में निकलता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर हमारे मुंह से कोई धातु अंदर चली जाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धातु तो मैं कह नहीं सकता, जो बहुत हार्ड होती है मिश्र धातु होती है उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पतली धातु अगर चली जाए तो वो अम्ल उसको भी डिजोल्व कर सकता है, मतलब उसको भी पिघला सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। हमारी स्किन जो होती है, हमारी स्किन की जो ऊपर की जो परतें हैं ये लगातार टूट टूट के गिरती रहती है, हमें महसूस नहीं होता लेकिन टूट टूट के गिरती रहती है, और एक साल में लगभग 0.7 किलोग्राम कोशिकाएं टूट के गिर जाती है एक साल में। 0.7, देखो 0.7 कितना हो गया, 0.7 का मतलब क्या हो गया, 0.5 का मतलब है आधा किलोग्राम, तो उससे और 200 ग्राम ज़्यादा, तो 0.7 किलोग्राम है ये, ठीक है, या 700 ग्राम कह लो तो 700 ग्राम सेल्स टूट के गिर जाती है हमारी कोशिकाओं से, जो हमें पता नहीं चलता। तो भाई हमारा हृदय बीटिंग करता है, पढ़ चुके हैं हम, एक मिनट में 72 टाइम्स बीटिंग होती है, और एक बीट में धक्का देता है लगभग 70 ml ब्लड वो बाहर निकालता है एक बीट में। तो एक मिनट में अगर वो 72 टाइम्स धड़कता है तो एक घंटे में कितना धड़केगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, एक बीट में 70 ml ब्लड निकलता है एक बीट में, तो धड़का कितनी बार, 72 टाइम्स, तो 72 × 70, क्यों, क्योंकि भाई 70 ml ब्लड निकाला उसने एक बार धड़कने पे, बेहतर बार धड़का तो एक मिनट में कितना ब्लड उसने पंप कर दिया, तो कितना किया भाई उसने, इसको मल्टीप्लाई करो 7 × 14 = 50, 5040, लगभग एक मिनट में 5040 मिलीलीटर ब्लड को उसने पंप कर दिया। कहने का मतलब क्या है, 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। अब देख लो 24 घंटे में कितना करेगा और एक महीने में कितना कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे ही बॉडी के एंजाइम हमारी बॉडी को तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर देते हैं, और ये काम शुरू हो जाता है 4 मिनट के अंदर, मतलब डेथ के 4 मिनट के
अंदर हमारी बॉडी के एंजाइम हमें खाना शुरू कर देते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है बॉडी के अपने आप। अगर देखो हमें पता है हमारी प्रत्येक कोशिका में, हमारे सेल की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है। अगर हम सभी कोशिकाओं के डीएनए को खोल दे, ओपन कर दे, कितनी सेल हैं? 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और प्रत्येक सेल में डीएनए होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उनमें जो डीएनए है अगर हम उनको पूरा खोल दे तो उनकी लंबाई इतनी हो जाएगी कि पृथ्वी से लेकर और प्लूटो तक उसको ले जाया जा सकता है और वापस भी आया जा सकता है। इतनी लंबी डीएनए हमारी पूरी बॉडी के अंदर फिट है सभी कोशिकाओं में। ठीक, जब हमारे दांत का दंतक से होता है, मतलब दांत टूटना शुरू करते हैं, हमारे दांतों के ऊपर इतने बैक्टीरिया होते हैं कि एक दांत पर 100 मिलियन से 1 बिलियन बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। 100 मिलियन से 1 बिलियन बैक्टीरिया, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 100 मिलियन से 1 बिलियन बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं दांत के ऊपर, इसलिए ब्रश कर लिया करो, नहीं तो बचेंगे दांत, बचेंगे नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर ये आर्टिफिशियल जबाड़ा चढ़वाते फिरोगे, तो इसलिए दांतों की सफाई करो, रात में ब्रश अवश्य करो, बहुत आवश्यक होता है रात में ब्रश करना। भाई एक आदमी एक साल में लगभग 500 किलोग्राम खाना खा जाता है, 500 किलोग्राम खाना खा गया, और वो खाना आया कहाँ से? वो तो पेड़ पौधे या जंतुओं से आया, और हमने दिया क्या? कुछ भी नहीं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, जंतुओं को मार रहे हैं, बदले में कुछ नहीं करता आदमी, इंसान कुछ नहीं करता। कुछ एक अवेयर लोग हैं जिनको पता है कि दुनिया बहुत क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ बढ़ रही है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, पानी, वायु, देखो 5 चीज़ों से हमारा शरीर मिलकर बना है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, तो इस तरह से 5 चीज़ों से मिलकर ये शरीर बनता है, और 5 ही चीज़ें डैमेज होती जा रही है, तभी तो बॉडी भी डैमेज हो रही है, तभी इतनी बीमारियां लगती हैं, क्योंकि जो 5 चीज़ों से शरीर मिलकर बना है तो वो 5 चीज़ें ही खराब हो रही है। वायु कितनी खराब है, मिट्टी कितनी खराब है, मतलब इतना हानिकारक केमिकल डाला जाता है खेतों में, बहुत बहुत डेंजरस होता है, बहुत केमिकल, वो हमारे खाने में भी आता है, और कितनी फैक्ट्रियां जिसने वायु को ख़राब कर दिया है, पानी खराब है, बिल्कुल डैमेज कर दिया, पीने योग्य नहीं बचा, यहाँ तक कि गंगा को इतना पोल्यूट कर दिया। तो जिन 5 चीज़ों से मनुष्य का शरीर बना है और वो 5 ही डैमेज होगी तो मनुष्य कहाँ बचेगा? नहीं बचेगा भाई। देखो भगवान की पूजा करते हैं हम, कहते हैं कि भगवान ने हमें बनाया, भगवान हमें जिंदा रखता है, चलो ठीक बात है भगवान जिंदा रखता है, लेकिन अगर अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे को जिंदा कौन रख रहा है? मेरे को जिंदा रख रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ वायु, अभी नीचे जाते ही या बाहर निकलते ही पानी पीऊँगा, जिंदा कौन रख रहा है? जल। तो हकीकत में भगवान तो मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा, चलो मानते हैं लोग, ठीक है मानो, मैं ये नहीं कह रहा मत मानो, लेकिन अच्छी बात है, बट हकीकत में जो हमें जीवित रखे हुए है, जो प्रैक्टिकल 1 मिनट तक सांस रोक सकते हैं? नहीं रोक पाएंगे। तो हवा है जो जीवित रखे हुए है, उसी को खराब कर रहे हैं हम, उसकी तरफ एक मूर्ति को आगे जाएंगे, पानी एक लोटा भर के पानी का उसके ऊपर चढ़ा के आएंगे, दूध भी उसके ऊपर, खाने की चीज उसके ऊपर, ठीक है भाई चढ़ाया, लेकिन साथ में जो हमारी ये चीजें हैं ना, जो सच में हमें जीवित रख रही है, उसको खराब मत करो। वो लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हकीकत में लोग अनअवेयर हैं, मतलब उनको सच में नहीं पता कि भगवान किस चीज से खुश होता है। भगवान खुश होता है परोपकार से और मेहनत से, भगवान कभी ये बोलता ही नहीं अगर आओ और मेरी पूजा करो, ऐसा कभी नहीं बोलता, मेरे सामने ये चढ़ा वो चढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरों की सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, मेहनत करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएंगे। अगर नेचुरल रिसोर्सेज को ये सोचेंगे कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बहुत सारे आगे आने वाली जनरेशन है जो इसको प्रयोग करेगी, तो भगवान अवश्य खुश हो जाएगा। तो वो चीज़ जो सच में जीवन दान देने वाली है उसकी रक्षा करो, वही हमें जीवन दान दे सकती है, वायु, जल, मिट्टी, पृथ्वी, आकाश, ये सब, ये 5 चीज़ें यही मनुष्य को या सभी जीवों को जीवित रख सकती है, और ये वही रखे हुए हैं, तो उन्हीं को बचाने की कोशिश करो।
तो 500 किलोग्राम आदमी खाना खाता है, तो कम से कम उसके बदले में तो कुछ दो प्रकृति को, 500 किलो के तो बदले कम से कम कुछ दिन कुछ उसको देना ही चाहिए। इतने स्वार्थी मत बनो कि सिर्फ उससे लेते ही जाओ, उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। 1.7 लीटर सलाइवा पर डे हमारे मुंह में जो लार बनती है, लगभग 1.7 लीटर लार बन जाती है, सलाइवा बन जाता है 1.7 लीटर। देखो हमारी जो फूड पाइप होती है ये नली, इसमें भोजन, मैंने बताया था एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस, उस क्रिया द्वारा भोजन नीचे गटका जाएगा। अगर हम उल्टे हो जाए ना, नीचे सिर कर ले ऊपर पैर, तब भी गटके तो भी भोजन पेट में ही जाएगा। ऐसा मत समझना कि उल्टा होने पर भोजन उल्टा चला जाएगा, नहीं। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जो फूड को हमेशा आगे धकेलती है, भोजन उससे पीछे नहीं आ सकता। तो ये कुछ फैक्ट्स थे बॉडी के बारे में, ठीक है भाई, तो इनको ध्यान रखना और प्रकृति को, नेचर के साथ चलो, समय के साथ, नेचर के सामने हाथ जोड़ के चलो, क्योंकि नेचर का सामना इंसान कभी नहीं कर सकता। साइंस चाहे कितनी आगे बढ़ जाए लेकिन नेचर से कभी पार नहीं पा सकती। जब नेचर डैमेज करने पे आता है चीज़ों को, हम कितनी ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना लें, इंसान कितनी ऊंची बिल्डिंग बना ले, नेचर की, नेचर उसको एक झटके में प्लेन करके चला जाता है। तो नेचर की रिस्पेक्ट करो, उसको खराब मत करो, ये संतुलित करता है प्रकृति, अपने आप को हमेशा संतुलित करती है। अगर यहाँ पे अत्यधिक मनुष्य बढ़ जाएंगे, संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो अपने आप को संतुलित करेगी। देखो कितनी बीमारियाँ फैल जाती है, कोरोना वायरस के कारण करोड़ों लोग मरने वाले हैं। तो ये संतुलन ही है, प्रकृति अपने आप को संतुलित करती ही है। अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए तो फिर इम्बैलेंस हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ जाए तब भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को, प्रकृति को संतुलित करना ही पड़ता है। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, और नेचर ही सब कुछ है, नेचर ही सब कुछ है, नेचर ने ही जीवन बनाया है, नेचर से ही हम हैं, हम नेचर से, हमारी वजह से नेचर नहीं है, नेचर की वजह से हम हैं। तो उसकी इज्जत करो, वही भगवान है, उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है भाई। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, या फिर मैं इस चैप्टर की एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा, सिर्फ जो वो क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे या फिर पहले बोर्ड्स में आए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।